गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक एंड यूजीसी नेट। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। अब तो आप जान ही चुके हैं मुझे। यस, तो स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दिस इज दी परफेक्ट पार्टनर फॉर एंड यूजीसी नेट। सो जैसा दिस इज मी डॉक्टर बरखा गुप्ता, PhD इन मैनेजमेंट, एंड दिस इज माई कोड BG01। रिमेंबर दिस। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक है आपका थ्योरिस्ट विथ हिज बुक्स। जो थ्योरिस्ट होते हैं वो उनके साथ उनके बुक्स के नाम जो आपके एग्जाम प्रिपरेशंस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये किसने दिया है आपका? गिवन बाय दी फ्रेडरिक विस्लो टेलर। बुक्स का आपका ये जो आई थी 1911 में आपकी बुक आई थी। ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड बुक है बच्चा द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954, गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। ओके, द थर्ड बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1916 में आई थी ये बुक, बाय द हेनरी फ्योल। देन प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट 1984 बाय एडविन बी फिलिपो। ये बुक किसके थ्रू आई है? एडविन बी फिलिपो। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1953 बाय जॉर्ज आर टेरी। तो रिमेंबर दिस नेम विद द थ्योरिस्ट और बुक के साथ में नामों को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।